मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अनुभूति पर्वतों अथवा जीवित आत्माओं द्वारा, ये टॉपिक है। जब गुरुदेव के परम गुरुदेव कह रहे हैं कि संन्यास लेकर हिमालय की पर्वत चोटियों में जाने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, और परमहंस योगानंद जी इस तरह से समझा रहे हैं, यह दिव्य आत्माओं का जीवित उदाहरण ही है जो आपको ईश्वर की चेतना प्रदान कर रहा है। एक बार बहुत पहले मैं आश्रम के कर्तव्य से दूर हिमालय के एकांत में ईश्वर को खोजने जाना चाहता था। गुरुजी स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरिजी ने मुझे बताने का प्रयास किया कि मुझे वहाँ वह अनुभूति नहीं प्राप्त होगी जिसे मैं उनके मार्गदर्शन में ध्यान में प्राप्त करूंगा, परंतु मैंने उनके सबल संकेतों को नहीं सुना, मैं चला गया। यद्यपि थोड़े ही समय में मैं वापस अपने गुरु के पास आ गया। मैंने सोचा वे न्याय उचित रूप से मुझसे अधिक अप्रसन्न होंगे, परंतु इसकी अपेक्षा जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने यूं ही सहज रूप से कहा, आओ खाना खाने के लिए कुछ देखते हैं। मैंने पूछा, महाराज क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा? मैं तुम्हें अपने निजी उद्देश्य के लिए नहीं प्रयोग करूंगा। तुम वापस आ गए हो और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम वैसा ही है जब तुम चले गए थे। वह तुम्हारी इच्छा थी और तब भी मेरे पास तुम्हारे लिए वैसा ही प्रेम था। तब मैंने बिना शर्त अप्रतिबिंबित दिव्य प्रेम का अर्थ समझा और जाना कि ईश्वर मेरे गुरु के रूप में पृथ्वी पर वह प्रेम भक्तों को दे रहे थे। एक दिन मेरे लौट आने के कुछ ही समय पश्चात मैं गहराई से ध्यान करने का प्रयास कर रहा था। गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं जाना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे फिर पुकारा, मैंने उत्तर दिया, गुरुजी मैं ध्यान कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ किस प्रकार ध्यान कर रहे हो, आओ। मैं उनके पास गया और ज्यों ही मैंने उनकी आंखों की ओर देखा तो मैंने पाया कि एक महान दिव्य करुणा के साथ मुझे एकटक देख रहे थे। अकिंचन बालक, उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हें वह नहीं दे सकते जो तुम चाहते हो। एकदम उन्होंने मेरी छाती को स्पर्श किया। मैंने दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञान के संप्रेषण के विषय में सुन रखा था, परंतु उस अनुभव में जो गुरुजी ने मुझे दिया, मैंने इसे अनुभव कर लिया। सब कुछ विलीन हो गया, सब कुछ प्रकाश था। मेरा श्वास चला गया और मेरा शरीर भूमि के साथ जड़वत हो गया, रिजिड हो गया। मैंने अनुभव किया कि मैं शरीर से मुक्त था, मैं ब्रह्म था, मेरी 1000 आँखें थी, मैं अपने सामने और पीछे मीलों तक देख सकता था, मैं ठोस पदार्थों के आर पार देख सकता था, मैं वृक्षों की जड़ों से बहते हुए रस को देख सकता था, और मैं भवनों, दीवारों और प्रत्येक वस्तु के आर पार देख सकता था। मैंने यह देखने के लिए कि क्या अनुभव वास्तविक था, अपनी परीक्षा की, और मैंने देखा यह सत्य था, क्योंकि मैं खुली अथवा बंद आँखों से अपने चारों ओर की समस्त वस्तुओं को देख सकता था। ऐसा आनंद जिसकी मुझे वर्षों से भूख थी, गुरुजी ने मुझे उस एकमात्र स्पर्श द्वारा प्रदान कर दिया। वहाँ दिव्य संपर्क का अत्यंत परमानंद था, कोई शब्द उस आनंद और प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकते जो मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने कदापि अपने गुरु की महानता की पूर्ण रूप से प्रशंसा नहीं की थी।
मैं उनके प्रति बहुत आश्वस्त था। मैंने अनुभव नहीं किया था कि वे इतने सारे दिव्य आशीर्वाद मेरे जीवन में बरसाएंगे। ईश्वर की आंखें नहीं हैं, वे अंतरिक्ष के छिद्रों के माध्यम से देखते हैं। उसी प्रकार मैंने सभी वस्तुओं को आँखों से स्वतंत्र होकर देखा था, बिना आँखों के देखा था। विश्व में सब कुछ मेरे भीतर हो रहा था। आधे घंटे के परमानंद और अद्भुत दृश्यों के बाद गुरुजी ने मुझे पुनः स्पर्श किया और मैंने एक बार फिर स्वयं को सीमित शरीर द्वारा सीमाबद्ध पाया, अपने आप को शरीर में बंधा पाया। पर्वत वास्तव में मुझे वह नहीं दे सकते थे जो ईश्वर ने मुझे मेरे गुरु के माध्यम से दिया। वे पृथ्वी पर मेरे लिए ईश्वर के मूर्त रूप थे। उन्होंने कहा, आओ अब भ्रमण के लिए चलते हैं। परंतु हमारे भ्रमण पर जाने से पूर्व उन्होंने मुझसे छज्जे के फर्श पर झाड़ू लगवाई। कैसा विरोधाभास! संतुलित आध्यात्मिक जीवन की एक शिक्षा। वे और मैं फिर गंगा के किनारे मौन में टहले। जब कभी भी आध्यात्मिक दृश्य के लिए जो उन्होंने मुझे दिया था मैंने अपना आभार व्यक्त करना चाहा, तो वे विनम्रतापूर्वक तटस्थ रहे। वे थे मेरे महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी। जय गुरु जी।